नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के कंदोवालिया में नशे के आदि बेटे ने मां, भाभी और 2.5 वर्ष के भतीजे को उतारा मौत के घाट, थाना में किया सरेंडर। अमृतसर के तरनतारन रोड पर एक तेज रफ्तार कार की ट्रक से हुई भीषण टक्कर, कार चालक की मौके पर हुई मौत। कपूरथला पुलिस ने चोरी के मामले को हल कर एक चोर को किया काबू। 32 बोर की पिस्तौल, सोने के आभूषण व 3 लाख रुपयों की नकदी की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के अधीन आते अचनाला के गांव कंदोवालिया में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है, जिसके चलते गांव में सनसनी फैल गई, जिसमें नशे ने एक और परिवार को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। मिली जानकारी के मुताबिक नशे के चलते एक नौजवान ने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें अमृतपाल सिंह ने अपनी माँ, भाभी और भतीजे का तेज धार हथियार से कत्ल कर दिया। गौरतलब रहे कि आरोपी डिप्रेशन में रहता था और उसकी पत्नी उसके दोनों बच्चों को लेकर काफी समय से अपने मायके घर में रह रही थी। तो वहीं कत्ल करने के बाद अमृतपाल सिंह ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि अमृतपाल सिंह नशा करने का आदी था और वह काफी नशा करता था। उसे कई बार नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी दाखिल करवाया गया, लेकिन उसके नशे की लत खत्म नहीं हुई। इसी नशे की लत ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इस मौके पर DSP अचनाला ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वे कत्ल के कारणों का पता लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी ने मानसिक तनाव के चलते इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल उनकी ओर से शवों को पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कोई रात की गल है जी, झंडे थाने च पिंड कद्दोवाली पैंदा जी, उत्थे ट्रिपल मर्डर होया। एक ये जो अमृतपाल अक्यूज है, इन्हें अपनी भाभी नू मारिया दातर दे नाल, उहदे बाद फिर इन्हें नाल ही अपनी बच्चा जी है मेल मैंबर उहनू मारता, ते नाल ही अपनी मदर नू मारता। कारण की रहा? कारण ये असी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वैसे थोड़ा बहुत इन्ना क पता लगा भी इहदी फैमिली जिहड़ी सीगी उच्चे इहदे 2 बच्चियां ही ने, ते इहदी वाइफ जिहड़ी ये पेके घर चले गई सी, इहदे करके थोड़ा टेंशन च। हांजी, अपने आप आया पुलिस वाले? हांजी हांजी, इहने सर ये कतल करके ते दस्सदा सीगा पुलिस च। सर कोई नशा वगैरह भी करदा सी? नहीं, नशे वाली कोई गल नहीं अजे आई साडे। बेसिकली थोड़ा ये अंडर टेंशन सी फैमिली डिस्प्यूट करके, क्योंकि इहदा ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਬਟ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅੰਡਰ ਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। अमृतसर के तरनतारन रोड पर एक तेज रफ्तार कार की सामने से आ रहे ट्रक से भीषण टक्कर हो गई, जिसके चलते कार सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार सवार तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, जिस कारण ट्रक के साथ उसकी टक्कर हो गई, जिस वजह से कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। ट्रक चालक मौके से भाग गया है। फिलहाल ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिसके बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा।
अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर तो आ गया सा जी, ते मम्मी मौके ते जदों इत्थे देखिया ते बहुत भारी नुकसान होया सी, काफी बड़ा नुकसान होया सी। ये गड्डी वाला वीर इधरों आया सी ते उधरों ट्रक वाला आया सी, ट्रक वाला ते चलो फिर भी अपनी जगह बिलकुल सही खलोता, क्योंकि गड्डी वाला वीर थोड़ा कि तेज ही। अच्छा जी, ते तद करके बेटी दा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ? ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਧੌਣ ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ 100%। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ? ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਦੋਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। कपूरथला पुलिस ने चोरी के एक मामले को हल करते हुए एक आरोपी को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी सब डिवीजन कपूरथला हरप्रीत सिंह ने बताया कि अर्बन एस्टेट कपूरथला निवासी बलविंदर सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके घर में अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर ली है, जिसमें उनकी लाइसेंसी 32 बोर की पिस्तौल, 35,000 रुपयों की नकदी और 13 तोले सोने के आभूषण चोरी कर लिए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने सीआईए स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर जर्नैल सिंह को इस मामले की जांच सौंपी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उक्त मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान सुरेंद्र सिंह निवासी मैनवा थाना सदर कपूरथला के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की 32 बोर की पिस्तौल, लाखों रुपयों के सोने के आभूषण और 3 लाख रुपयों की नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। दो चोरियां हुई हैं, एक जो संबंध में 56 नंबर मुकदमा दर्ज होया, एक दे विच 94 नंबर मुकदमा दर्ज होया। उहदे जो असीं जिहड़ा दोषी फड़िया सुरेंद्र सिंह इली सूरज ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੈਡਮਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਡੀ ਵੀ ਆਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀ ਵੀ ਆਰ 'ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਲੱਸ 13 ਤੋਲੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ 35,000। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਵਰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਕੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ CRPF ਕੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੋਂ ਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਮੁਹਕਮਪੁਰਾ ਥਾਨਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਓਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਥਾਨਾ ਮੁਹਕਮਪੁਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਕੋ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਰੱਖਤੇ ਹੋਏ ਯੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕੋਂ ਸੇ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਿ ਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। तो वहीं उन्होंने लोगों से अपने लाइसेंसी हथियारों को नजदीकी थानों में जमा करवाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने शरारती तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी आने वाली लोक सभा इलेक्शन है, संबंध में फ्लैग मार्च कर रहे हैं जी। आज जो फ्लैग मार्च है जी, मोहकमपुरे तो थाने तो शुरू हो गया जी, तुंग पाई अगे भारत नगर, पवन नगर, प्रीतम नगर, कृष्णा नगर ते रसूलपुर तो होके जी वापस इतने अगे समाप्त होएगा। साढ़े CRPF दी टीमां ने जी, वेरका थाने तो टीम आ जी, मोहकमपुरे बाकी थाने तो भी टीमां बुलाईयां ने जी। लोगों नूं यही सूचित करना चाहुंदे आ वी जिहड़ी इलैक्शन आ रही है जी, इहदे विच बिना किसे डर भय दे आपदियां वोटां दा इस्तेमाल करन, जो उहदा हक आ वोट दा उहदा इस्तेमाल। लोकसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी के पंजाब लोकसभा इंचार्ज और सांसद संदीप पाठक ने अमृतसर में आम आदमी पार्टी के मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर संदीप पाठक ने कहा कि संजय सिंह की जमानत हो गई है, जिसे लेकर वे उन्हें बधाई देते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सभी संस्थाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से किसानों पर भी अत्याचार किया जा रहा है, उसके चलते पूरे देश की जनता बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी और कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है। उनकी पार्टी ने बहुत काम किए हैं और सभी चुनावों को लेकर बहुत खुश हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों को भाजपा द्वारा आ रहे ऑफर पर बोलते हुए संदीप पाठक ने कहा कि जिस तरह की राजनीति भाजपा द्वारा की जा रही है वह बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की असली ताकत जनता तथा वॉलंटियर्स हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी लोगों की सेवा कर रही है, जिसके चलते उनकी पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करेगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखिए, हम अपने धर्म का पालन ईमानदारी से कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। अंत पंत में जो निर्णय होगा वो जनता का निर्णय होगा, पर मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि बहुमत अभी कायम है और भी इससे ज्यादा बहुमत आएंगे, हम और भी ज्यादा काम करेंगे और जनता आशीर्वाद देगी। कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी की ओर से खडूर साहिब क्षेत्र से उम्मीदवार लालजीत भुल्लर जीरा पहुंची। उनकी ओर से जीरा के अग्रवाल भवन में जीरा क्षेत्र से विधायक नरेश कटारिया की अगुवाई में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। इस बैठक ने उस समय रैली का रूप धारण कर लिया जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस बैठक में पहुंचे। इस दौरान लालजीत भुल्लर ने जहां अपनी पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों को गिनवाया, तो वहीं विरोधी पार्टी पर निशाना साधते हुए तीखे शब्दी हमले भी किए। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी विरुद्ध जिन्हें उस समय च मदद की हो जो आप कुछ लाइए तो याद होगी गल सी स्टेज जो मौका मिले उदो करनी चाहिए। पार्टी का समुचा केंद्र बेटा जिन्होंने पिंड 2022 के बूथ ला के साथ नरेश कटारिया जी को जिताया, तो भरावो जिमें अगे 2022 के नरेश कटारिया जी को 23,000 की लीड लाई, तुम 23,000 की लीड दवाई, तुम्हारे भरा को उस तरह ही यह लीड डबल करके देनी है 23,000 करती है। तो माँ बोली पंजाबी सभ्याचार के प्रसिद्ध गायक हंसराज हंस ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में दिल्ली से बड़े अंतराल के साथ जीत हासिल की थी, जिसके चलते भाजपा ने एक बार फिर हंसराज हंस को पंजाब के जिला फरीदकोट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार करमजीत अनमोल के मुकाबले मैदान में उतारा है। हंसराज हंस द्वारा फरीदकोट में पहुंचने पर सबसे पहले गुरुद्वारा टीला बाबा शेख फरीद में माथा टेका गया। इस मौके पर उनके साथ फरीदकोट के जिला प्रधान गौरव कक्कड़ भी मौजूद रहे, जिसके पश्चात हंसराज हंस द्वारा यहां के किला मुबारक चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर में भी माथा टेक कर आशीर्वाद दिया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी और प्रधान की ओर से हंसराज हंस और भाजपा के जिला प्रधान गौरव कक्कड़ को सम्मानित किया गया, जिसके पश्चात फरीदकोट की शाही हवेली के नजदीक भाजपा के पदाधिकारियों के साथ सांसद हंसराज हंस की ओर से मीटिंग की गई और चुनाव को लेकर विचार विमर्श भी किया गया, जिसके बाद फरीदकोट शहर में विशाल रोड शो भी निकाला गया, जिसका संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से विरोध किया गया। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। जिंदगी का सफर पहला संगीत का सफर, फिर दूजी पारी जरा सेवा का सफर जो सियासत भी कहते हैं, पर अज का दिन मेरी जिंदगी का सब तो खूबसूरत है। सूफिया के सरताज गंजे शकर हक फरीद या फरीद बाबा फरीद के कदमों में सब तो पहला मत्था टेकया। इतों की गुलामी भी बादशाही नालों बेहतर है, इतने के नौकर लगना भी बादशाहों नालों बेहतर है। मैं इलेक्शन सियासत इन सारिया चीज़ों तो उपर उठ के कहना है, मेरा मालका कोई चंगे ही भाग लिखे सी जिहड़ा इस दर की गुलामी अज मत्था टेक के, और मैं ये पढ़न लिया कि इस शहर में नंगे पैरी फिरया करूँगा। मैं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर संगरूर सह मुख्य चुनाव अधिकारी और पुलिस कमिश्नर संगरूर के दिशा निर्देशों के तहत संगरूर पुलिस टीम द्वारा जिले के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर अंकुश लगाने, नशीले पदार्थों व शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए एक विशेष तलाशी अभियान कासो
चलाया गया है। ये अभियान जन सुरक्षा के लिए चलाया गया है। तो वहीं इस अभियान के तहत संगरूर पुलिस ने कारों की छतों, सीटों, डिग्गियों, मोटरसाइकिल की डिग्गियों, यात्रियों के सामान, महिलाओं के हैंडबैग और संदिग्ध राहगीरों की गहनता से तलाशी ली। वहीं संगरूर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की तस्वीरें भी ली गई। इस तलाशी अभियान में आम जनता और राहगीरों में परेशानी देखी गई। पंजाब की अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और जंडियाला गुरु की अनाज मंडी में गेहूं की आमद शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। इस संबंध में कुछ आढ़तियों, किसानों, पल्लेदार और मुनीम से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गत दिनों बेमौसमी बरसात के कारण गेहूं की फसल अभी देर से पकेगी। उनकी ओर से पंखों की मुरम्मत करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सीजन में आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसल बहुत खराब होती है। सरकार को चाहिए कि वे इस मसले का हल करें। उन्होंने कहा कि मंडी के शौचालयों को मार्केट कमेटी की ओर से ताले लगाए गए हैं, जिस कारण मजदूरों और किसानों को मुश्किलें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इन शौचालयों में गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। वहीं किसानों ने कहा कि मौसम खराब होने के समय गेहूं को ढकने के लिए सरकार को तरपाल का इंतजाम करना चाहिए। उनकी ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सरकार द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, लेकिन गेहूं आने में अभी 10 से 15 दिन और लगेंगे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। अरेंजमेंट हर बार की तरह इस बार ठीक है, देखे कमेटी तो उतो आए ने, सफाइयां हो रही वा, बाकी खरीद जी 1 तरीक तो स्टार्ट आ। कणक तो बरसात में कोई एडा फर्क नहीं पाया, ठीक है। बाकी यह कणक हर वर्ग इधर सब्जी एरिया वा लेट ही होंगी है, जिड़ा पहला 1-2 ढेरियां 10 तरीक में आनिया शुरू हो जाएगी, जोड़ा जोर पैना वा वह 20 तरीक तो बाद ही जाके पैना। मंडी के प्रबंध जो मुकम्मल कर ले गए सारे, तो सीजन आने तो कणक की आमद आने पहलों पहलों पानी पानी के छां के प्रबंध से सारे कर ले जाएंगे, सफाई लगभग हो गई आ। हाँ जी सर, एक वारा पशु बड़े वारा पशु ना गेट जो खुले होने करके ना वारा पशु आ जाते हैं, तो बहर क्ढी देते है उन्हें भी जो कणक की आमद होगी उदो गेटा के बंदे ला के तो पशु जो अंदर नहीं आने दते जाऊंगे। 51 शक्तिपीठों में से एक और पंजाब के एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी दरबार का वार्षिक मेला 5 अप्रैल को बहुत हर्षोल्लास एवं धूमधाम से श्री देवी तालाब मंदिर प्रांगण में श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मेले की विधिवत शुरुआत शतचंडी महायज्ञ से की गई, जिसमें पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ को संपूर्ण करवाया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने मुख्य यजमान के रूप में शामिल होकर हवन यज्ञ में आहुतियां डाल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने बताया कि इस मेले में देश विदेशों से मां त्रिपुर मालिनी के भक्त लाल झंडे लेकर बैंड बाजे ताशा पार्टियों के साथ नाचते गाते महामाई के दरबार में नतमस्तक होने के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल को सुबह 8 बजे पक्की भेंटों के साथ मां त्रिपुर मालिनी का गुणगान शुरू किया जाएगा और देर रात तक प्रसिद्ध गायक मां त्रिपुर मालिनी की महिमा का गुणगान करेंगे, जिसमें प्रसिद्ध गायक रोशन प्रिंस भी अपनी हाजिरी लगाएंगे। उन्होंने बताया कि मेले को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है। वहीं उन्होंने सभी मां भक्तों से आग्रह किया कि सभी नगरवासी मां त्रिपुर मालिनी के मेले में शामिल होकर महारानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस मौके पर रमन शर्मा, भूषण कोहली, अजय लाली सहित असंख्य मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। आज बड़ा खुशी का दिन है कि मां त्रिपुर मालिनी दरबार का मेला जो कि 5 अप्रैल होना निश्चित होया है, जिसे लखां दे तादाद श्रद्धालु बड़ी दूरों दूरों आ के पंजाब चो मां दरबार के नतमस्तक होंदे हन। अज श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों चंडी जग करके इहदा शुभ आरंभ किया गया है, जिहदी की अध्यक्षता प्रधान शीतल विज जी ने की, राजेश विज जी और साडे कोषाध्यक्ष और पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता जी और सारे सेवादार मैंबर सारे शामिल होए। अज दे दिन ते शुरू करन ते सबनों संगत को बहुत बहुत बधाई प्रधान शीतल विज जी वालों और सारी कमेटी वालों, और मैं सबनों देश पर अपने शहर वासियों नूं अरदास करांगा, प्रार्थना करांगा कल दे इस पावन मेले ते बढ़ चढ़ के परिवार दे नाल आओ और माँ दे
लाए हुए प्रसाद रूपी लंगरों का इंजॉय करो। और सब तो वड्डी गल कि डिसिप्लिन जाना है, डिसिप्लिन जाना है। माँ के दरबार जिहड़ा लाइन च खड़ा हुंदा है हाजरी उसे भी लगती है। जिहड़ा कहिंदा मैं अगे लंघ जावा, मैं किसी तरीके नाल VIP बन के अगे लंघ जावा, उहनूं माँ के दरबार च कुछ नहीं मिलता। जिहड़ा माँ के दरबार च हाजरी लवाउंदा खड़ा हुंदा है उहनूं ही सब कुछ मिलता है। इस गल का बहुत ध्यान रखना। ये शास्त्रां च लिखा है, शास्त्रां च प्रमाण दिता है कि माँ के दरबार च जिन्नी तुसीं ज़्यादा हाजरी भरोगे उन्ना तुहानूं फल उहदा ज़्यादा मिलेगा। और ये जिहड़ा अज हवन होया है ये शास्त्रां च किया गया है, अपने बड़े बड़े वेदां च किया गया है। ये श्रेष्ठ कर्म है, इस तो उपर कोई हवन तो उपर कोई कर्म नहीं हैगा। और जिहड़े अपने घर च असीं दीप माला करते हैं, जोत जगाने हैं, अगरबत्ती करते हैं, धूप कर जगाने हैं, ये भी एक साढ़े हवन का यज्ञ का एक रूप है। अज बड़े पवित्र काम नाल महाराणी के घर से शुरुआत की गई है। सभी संगत को इस पावन शुरुआत से और इस पावन मेले की बहुत बहुत बधाई प्रधान शीतल विज जी वालों, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा साड़ी दैनिक सवेरा टीम जिहड़ी कि हर वेले हर काम च सब तो अगे रही है। और मैं चाहूँगा कि दैनिक सवेरा माँ की कृपा ना अगे वधदा रहे, माँ की कृपा नाल हसदा खेलता रहे। और माँ की कृपा दे नाल ये मेरे बच्चे जिहड़े मेरे छोटे भरा हैं, वीर हैं, ये इदा ही तरक्की करते रहन। मैं अज के पावन दिवस से फिर एक बार साहब बहुत बहुत बधाई देना। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर से दोपहर 2 बजे निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा के संबंध में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संपर्क अभियान टीम के अश्विनी शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा और मनीष शर्मा ने श्री चंद्रेश्वर विद्यापीठ संन्यास आश्रम बाग बहरिया के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत देवेंद्र आनंद गिरी जी महाराज, शिव शर्मा, हिमांशु जोशी, चेतन जसपाल कौर, सुषमा गुप्ता एवं कृष्ण गुप्ता, श्री शिव शंकर मंदिर शिवनगर के चेयरमैन गुरुदत्त श्रृंगारी, प्रधान राम नरेश अग्रवाल, अरुण कोहली, सुमित कुमार, राजेश अग्रवाल, सुरजीत शर्मा, राकेश बांसल, सुरेंद्र कुमार, राजकुमार, राधिका मित्तल, वीरेंद्र महेंद्रू, राजन शारदा, गुरदीप कपूर एवं संकीर्तन मंडली की महिलाएं, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मथुरा नगर के महंत सिया शरण दास जी महाराज एवं काजल, श्री शिव मंदिर मथुरा नगर के प्रधान राकेश महाजन, पंडित विजेंद्र मिश्रा, राघव सूर्य प्रकाश शुक्ला एवं ज्योति बाला, श्री राधा कृष्ण मंदिर संजय गांधी नगर के डॉक्टर JK शर्मा, करम सिंह, अमित शर्मा, वीना रानी, कमला रानी, अंकुश, वीना, पिंकी, मीनू, सुमन, सुषमा रानी, अंजू चंद्रानी, रोहित, पंडित वेद प्रकाश शुक्ला, सरोज, राखी एवं सरोज देवी से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को ये विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। देवी तालाब मंदिर से 16 तारीख को जो श्री रामचंद्र जी के पावन पवित्र अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इस शोभा यात्रा में शिव मंदिर मथुरा नगर के तरफ से सभी भक्तों को आग्रह है कि सभी भक्तों बढ़ चढ़ करके भाग लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राम। राम जी, असी अज राधा कृष्ण मंदिर वालों शोभा यात्रा निकल रही 16 तरीक को देवी तला मंदिर वालों, वो राधा श्री राधा कृष्ण मंदिर संजय गांधी नगर वालों बढ़ चढ़ के हिस्सा लवेंगे। साड़ी पूरी महिला मंडल की टीम बाकी साढ़े साथी शोभा यात्रा चाहिए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के शुभ अवसर पर 16 अप्रैल को देवी तालाब मंदिर कमेटी की ओर से बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें सभी धर्मों के प्रेमियों को अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और हर प्रकार का सहयोग भी दें ताकि राम जी सबके इष्ट हैं, वो किसी एक के नहीं हैं। जलंधर वासियों के लिए
प्राचीन शोभा यात्रा निकलती आ रही है पहले से ही, कुछ विडंबनाएं बीच में आ जाती हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देना है। हमने अपने प्रभु के प्रति प्रेम जागृति के लिए और इस संसार में द्वैत वैत को मिटाने के लिए राम जी ने इस संसार पर अपना इस शुभ दिन उनका प्राकट्य हुआ था, उसका लाभ हम सब को लेने के लिए बात राम राज्य की करनी बड़ी दूर है, लेकिन जब तक अंदर भावनाएं हो नहीं होगी, नारे लगाने से बनने वाला कुछ नहीं। अंदर राम सबके ओतप्रोत है, उसको समझने की जरूरत है। शिव शंकर मंदिर शिवनगर च साढ़े श्री देवी कला मंदिर तो नुमाइंदे शोभा यात्रा कढ़ने लई सानू निमंत्रण पत्र देन आए हैं। असी निमंत्रण पत्र साढ़े पहुँच गया, असी सारे शिवनगर वासी और सारे मंदिर कमेटी के सदस्य मिलकर शोभा यात्रा च हाजिरी लवेंगे और एक विशाल मंच लगावेंगे और उसे विशाल मंच से फ्रूट का लंगर, आइसक्रीम का लंगर और श्री शीतल बीर जी होना वालों जड़ी दैनिक सवेरा की कापी बना के वंडी जाएगी। वो हर साल 5-10 हज़ार कापियां बनते हैं बच्चों नूं और कई भगत उन्होंने राम राम का नाम भी लिख के लिखते हैं घर च बच्चों लई। ये बहुत अच्छी गल है जिदे विच साडी शीतल बीर जी और राजेश जी की अध्यक्ष असी ये सारा काम करांगे और जिहड़े भी भगत आए हैं बाहरों इतों जिन्हें भी भगत आए असी सारा का हार्दिक अभिनंदन करांगे और शिव शंकर मंदिर कमेटी बढ़ चढ़ के इस हिस्सा लेगी। आए हुए भगतों का असी बहुत स्वागत करांगे और आए हुए सारे भगतों को लंगर का प्रबंध भी किया जाए। राम नंबर जी रामनौमी शोभा यात्रा जी 16 अप्रैल तो श्री देवी तला मंदिर तो निकल रही है, श्री शीतल बीर जी रमेश बीर जी दीक्षा निकल रही है, उसमें साढ़े शिवनगर शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी के सारे सदस्य शामिल होंगे, इसी सत्संग सभा जी सारिया मैंबरान वो भी शामिल होंगियाँ, झाकियाँ भी लगाई जाएगी, लंगर लगाया जाएगा, मंच लगाया जाएगा, सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लवेंगे। जय श्री राम। सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री देवी तला मंदिर से 16 तारीख दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है, शोभा यात्रा निकल रहा है, उसमें सारे शहरवासियों को सबको आकर के देवी तला मंदिर में शोभा यात्रा का शोभा बढ़ावे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्बापिंड चौक जालंधर में साप्ताहिक श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन विधिवत रूप से मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम रावणु द्वारा मुख्य यजमान नरेंद्र कुमार मेहरा से सपरिवार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। तो वहीं पंजाब के पहले माँ बंगलामुखी जी के मंदिर माँ बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने दिव्य हवन यज्ञ पर आए हुए माँ भक्तों को भगवान की भक्ति का व्याख्यान करते हुए कहा कि जीवन में यदि भगवान की भक्ति है तो जीवन में सर्व कल्याण है। उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि कल भक्ति करेंगे तो कल कभी नहीं आता, इसलिए जो करना है आज ही कर लें, यही बुद्धिमानी है। वहीं उन्होंने माँ भक्तों पर सुमधुर भजनों की वर्षा करते हुए कहा कि भगवान का नाम बार बार सुनने से ही प्रेम जागृत होगा और जीवन धन्य होगा। अनेक जन्मों के पुण्य से ही भगवान के नाम का सिमरन करने का सौभाग्य मिलता है। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, साई मधुशा, राजेश महाजन, अमरजीत सिंह, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र कुमार शर्मा, नवदीप उदय, अजीत कुमार, निर्मल शर्मा, बाबा खन्ना, विनोद खन्ना, वरुण, केविन शर्मा, नवीन, राकेश, वीनू थापर, मनीष शर्मा, गुरप्रीत सिंह सुखा, अमनदीप सिंह, अवतार सैनी, गौरी, केतन शर्मा, अभिलक्ष्य चुग, सरोज बाला बिल्ला, प्रवीण भुवन,
राज प्रदीप सुधीर अशोक कुमार सुरेंद्र सिंह बाबा रिंकू सैनी दीपक प्रिंस सुनील जग्गी अमरिंदर कुमार शर्मा दलीप लवली लकी वीरेंद्र शर्मा संजय शाम रोहित अश्विनी शर्मा रवि भल्ला जगदीश पप्पू ठाकुर बलदेव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय मां बगला मुखी जी। मां बगला मुखी ताम गुलमोर सिटी स्थित इस मां दे सिद्ध मंदिर दे विच अज जिहड़ा दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया सप्ताहिक जिहड़ा हुंदा हवन यज्ञ और अज जिहड़ा महामाई नूं पहला निमंत्रण देने तो बाद अज पब्लिकली सारे समाज दे विच वितरित करन लई कार्ड और जिहड़ी फ्लैक्स है उहनूं अज इंट्रोड्यूस किया गया और महामाई की कृपा दे नाल 16 मई दिन वीरवार नूं मां दी बगला मुखी जयंती आ रही है। साढ़े सारे सेवादारां वल्लों करवद प्रार्थना है आप तो आना ही आना है अपने परिवार नाल सगे संबंधियों नाल और मित्रगणा नाल पहुँच के महामाई का आशीर्वाद लेना। एक तो महामाई की जयंती है उत्तों दिन भी वीरवार है सोने ते सुहागा है उस दिन महामाई को जो मंगांगे वो मिलेगा। सारिया ने पहुँचना जिथे तक मेरी आवाज़ वैब पोर्टल राही न्यूज़ चैनलों राही हलचल राही जिथे तक मेरी आवाज़ जाती होवे उन्हां मूहरे करवद प्रार्थना है 16 मई के दिन नूं गोला मार लो उस दिन बगला मुखी जयंती है मां बगला मुखी धाम पहुँच के महामई का आशीर्वाद लेना है। अज मां बगला मुखी धाम जो कि गुरमोर सिटी में स्थित है उत्थे मां के भव्य मंदिर के महामई के आशीर्वाद के नाल जिहड़े लगातार हवन यज्ञ हर वीरवार को होंदे हैगे है उन्हां दी कड़ी के अज जिहड़ा वो सवेर तो जिहड़ा हवन यज्ञ शुरू किया गया सी और जिंदा हो समापन किया है। महामई की कृपा नाल फिर ही तो ही सत्ता जिहड़ी वो मंदिर मंदिर के पहुँच गई तो महामई उन्हां ने मतलब नतमस्तक होए और उन्हां दा आशीर्वाद प्राप्त किया। इतने मैं ये भी बेनती करना चाहना कि 16 मई दिन वीरवार उदन मां बगला मुखी जयंती है सारे भगतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और सवेर तो ही जोड़ा है हवन यज्ञ शुरू हो जाएगा और उस तो बाद लगभग 11 बजे के आस पास लंगर प्रसाद शुरू हो जाएगा और मां की कृपा के नाल आनंद जोड़ा लंगर जोड़ा चलता रहेगा और सारे भगत मंदिर परिसर में पहुँच के मां बगला मुखी का आशीर्वाद प्राप्त कर और जय जयकार। जी और अच मैं माता बंगला मुखी से आया मत्था टेकन लिए मैं बहुत मजा आया और सारे इतने होमा मा के आया करो 16 मई नहीं आया। शिव शक्ति मां बंगला मुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन 120 फुटी रोड जालंधर जो कि पूरे जालंधर शहर में पहला मां बंगला मुखी का दरबार है और पिछले 22 वर्षों से हर सप्ताह मां बंगला मुखी जी का हवन यज्ञ किया जाता है। इसी श्रृंखला में साप्ताहिक मां बंगला मुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें पंडितों ने आए हुए यजमानों से विधिवत पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई और सर्व मंगल की कामना की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के प्रधान प्रवीण कत्याल सोनू सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगला मुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। मां बंगला मुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों ने हवन में आहुतियां देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी देवेश राम सिकंदर अश्विनी कुमार यादव अमित गुप्ता कमल मल्होत्रा आयुष यादव अंकुर मल्होत्रा डॉक्टर मुकेश अरोड़ा डॉक्टर मुकेश यादव उषा देवी मीना शर्मा ललिता नीलम रानी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कुछ श्रद्धालु ये पूछते हैं कि गुरु जी हमने हमारे कारोबार में रुकावट है तो क्या माँ बगला मुखी का जो पाठ है वो उसमें सहाय है? तो मैं आप सबसे ये बता दूँ कि माँ बगला मुखी स्तंभन की देवी है, माँ बगला मुखी शत्रुनाशन की देवी है और माँ बगला मुखी वाक्सिद्धि की देवी है। वाक्सिद्धि मतलब आप जैसे जैसे माँ भगवती का पाठ करेंगे आपके मुख पर साक्षात सरस्वती का वास हो जाएगा और आप जो भी अपने मन में सोचोगे वो सभी कुछ आपको प्राप्ति होगी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के कंदोवालिया में नशे के आदि बेटे ने मां भाभी और 2.5 वर्ष के
भतीजे को उतारा मौत के घाट, थाना में किया सरेंडर। अमृतसर के तरनतारन रोड पर एक तेज रफ्तार कार की ट्रक से हुई भीषण टक्कर, कार चालक की मौके पर हुई मौत। कपूरथला पुलिस ने चोरी के मामले को हल कर एक चोर को किया काबू, 32 बोर की पिस्तौल, सोने के आभूषण व 3 लाख रुपयों की नकदी की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।